उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत पर शिवसेना ने कहा कि इसमें असदुद्दीन ओवैसी और मायावती का भी बड़ा योगदान रहा। पार्टी के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि जिस तरह से मायावती का कोर वोट भाजपा को गया और असदुद्दीन ओवैसी ने सपा के वोटों में सेंध लगाई, उसने भाजपा का काम आसान कर दिया। राउत ने तो इसके लिए इन दोनों नेताओं पर तंज कसते हुए भाजपा से इनको सम्मानित करने की मांग भी कर दी है। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव नतीजों पर बोलते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, हार जीत होती रहती है, हम इससे निराश नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। यूपी में उनकी ही सरकार थी, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव की सीटें काफी बढ़ गई हैं। बीजेपी की जीत में मायावती की बसपा और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM का भी योगदान है। भाजपा को इनको पद्म विभूषण और भारत रत्न देना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। उत्तर प्रदेश तो उनका राज्य था, फिर भी अखिलेश यादव की सीटें बहुत बढ़ गई हैं, 42 से 125 के ऊपर चली गई, 3 गुना बढ़ गई। मायावती का योगदान है बीजेपी के विजय में, वो तो मानना पड़ेगा। ओबीसी का भी है, तो उनको पद्म विभूषण भारत रत्न देना पड़ेगा अभी सबको। लेकिन हम लोग खुश है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हार जीत होती है। उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड में बीजेपी जीत गई है, उससे हमें दुख होने का कोई कारण नहीं है। आपके खुशी में हम भी शामिल हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्यों हार गए, गोवा में 2-2 डिप्यूटी CM हार गए, लेकिन सबसे बड़ा चिंता का विषय है पंजाब। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी, एक प्रखर राष्ट्रवादी पार्टी, पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य में भारतीय जनता पार्टी को वहाँ के लोगों ने, मतदारों ने पूरी तरह से नकारा, रिजेक्ट कर दिया। ये चिंता की बात है। इतनी बड़ी ताकत, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री, सब ने वहाँ झोंक कर प्रचार किया था, फिर भी पंजाब में आप क्यों हार गए? उत्तर प्रदेश तो आपका ही था, उत्तराखंड आपका ही था, गोवा आपका था, वो ठीक है। उत्तर प्रदेश में आप हमें बार बार टोंकते हो ना, शिवसेना को कितनी सीटें मिली उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की और शिवसेना की जो हार हुई है, उससे बुरा हाल और हार आपकी पंजाब में हुई है, पंजाब जैसे राज्य में हुई है, जो सबसे सेंसिटिव राज्य है। उस बारे में थोड़ा आप देश को मार्गदर्शन करें बस। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।